केन्द्र सरकार कौशल महोत्सव जोठारे हजार हजार छात्र छात्री युवक युवती रोजगार एवं निजुक्तिर सुजोग मिली एवं ढेंकानाल कामाख्या नगर में वर्तमान कौशल महोत्सव चली आम आलोचना करवा आम सहित कंस्ट्रक्शन स्किल डेवलपमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया रो अधिकारी अच्छा सहित आलोचना करवा कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में क्यों क्यों सब नुआ दिग सामना को आसूची टेक्नोलोजी केमी व्यवहार होची सीधा आलोचना करवा। आज्ञा आपको स्वागत करना चाहूँगा पहले हमारे चैनल में। तो ये जो वर्चुअल रियलिटी का हम ये डिस्प्ले में देख रहे हैं, इसका प्रेजेंटेशन आप दिखा रहे हैं, इसका मतलब किस तरह से काम आ सकता है अगर कोई कैरियर बनाना चाहिए कंस्ट्रक्शन के लाइन में या सिविल इंजीनियरिंग के लाइन में? सर बेसिकली मैं उसके लिए ये बोलना चाहूँगा कि कंस्ट्रक्शन स्किल डेवलपमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया तीन चीज़ों के ऊपर अभी काम कर रहा है। एक चीज़ हो गया आपका प्रयास, सेकेंड हो गया प्रगति एंड थर्ड हो गया परिवर्तन। सो प्रयास मीन्स हम लोग जो इनिशिएटिव जो ले रहे हैं, सो ये एक इनिशिएटिव है क्योंकि कंस्ट्रक्शन में क्या होता है काफ़ी सारा मटेरियल्स यूज होता है जो रीयूज नहीं किया जा सकता है। सो उसी का सॉल्यूशन ही है वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी मतलब ये एक डिवाइस आता है, उस डिवाइस लगाने के बाद अगर जो भी कैंडिडेट है जो हम लोग सिखाना चाहते हैं उसको, वो प्रैक्टिकली बार बार उसको कर पाएगा, उसको लगेगा कि वो फिजिकली फील्ड में ही कर रहा है वो चीज़। सो उसको पूरा याद होने के बाद वो जब फिजिकली वो जाएगा करने के लिए वो ईजिली उसको कर सकता है। सो ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है। इसके ऊपर हम लोग जैसे पूरा ऑल ओवर इंडिया पे आपका सेकेंडरी जो आपका स्किल गैप स्टडी कर रहे क्योंकि कहाँ पे क्या डिमांड है, ये स्टेट लेवल पे ऑल ओवर इंडिया पे हम लोग कर रहे हैं, जिसका आपका प्राइमरी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, सेकेंडरी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, बट प्राइमरी मीन्स अभी हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उसको कर रहे हैं, जो उसका भी रिजल्ट आ जाएगा। तो उसमें हम लोग को ये पता चलेगा कि कहाँ पे क्या डिमांड है आपका, जैसे ये प्लेस हो गया उड़ीसा हो गया, इसके बाद आपका दूसरा जो प्लेस हो गया, सो उसमें क्या माइक्रो लेवल का क्या डिमांड है, सो डिमांड एग्रीगेट करके हम लोग उस हिसाब से उसको स्किलिंग प्रोवाइड कर पाएंगे। अगर हम ब्रिज बनाते हैं तो उसके लिए अलग टेक्नोलॉजी, उसका प्रोसेस अलग होता है, रोड के लिए अलग होता है, उसी तरह से आप इसको डेवलप कर रहे हैं मतलब वर्चुअल रियलिटी कैसे? वर्चुअल रियलिटी जो हम लोग का जितना भी जॉब रूल्स है क्योंकि आपका जो स्किल इकोसिस्टम है उसको जॉब रूल बोला जाता है, सो सब जॉब रूल को हम लोग इसी में कन्वर्ट कर रहे हैं। वो तो फिजिकल मोड पे तो वो तो चलेगा ही, बट साइमल्टेनियसली ये भी अडॉप्ट कर सकते हैं, सो दैट ये मोड पे जाने से क्या होगा कि कैंडिडेट और भी मतलब उसका खुद का जो कॉन्फिडेंट है एट द एंड ऑफ द कोर्स, वो कॉन्फिडेंट उसका ग्रो होगा, सो दैट वो अच्छे से जाके कोई भी एम्प्लॉयर के हुआ पे अच्छे से जाके काम भी कर सकता है। मटेरियल वेस्टेज एकदम से नहीं होगा क्योंकि ये वर्चुअल रियलिटी है, उसके अंदर मतलब डिवाइस लगाने के बाद उसको लगेगा कि वो फील्ड में काम कर रहा है, तो उसमें मटेरियल्स आ ही नहीं रहा है, वट इज़ वो अपने हिसाब से काम कर रहा है, उसमें वो सीमेंट ईटा बाली सब कुछ वो मिक्सअप कर रहा है, उसको लगेगा वो फिजिकली कर रहा है सब चीज़, सो मटेरियल वेस्टेज नहीं हो रहा है, वट इज़ उसका एफिशियंसी वो डे बाई डे वो बढ़ी जाएगा। एग्जैक्टली इसको कहाँ कहाँ ट्रेनिंग दिया जा रहा है इसके 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 लिए और अभी बच्चों के लिए क्या डिमांड है इसका? देखिए डिमांड तो उसका काफ़ी सारा सब, इनफैक्ट मैं बोलना चाहूँगा कि जितना भी आपका इंस्टीट्यूशन है जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज बोलिए या NIT बोलिए या IIT बोलिए, एवरीवेयर क्योंकि सब जगह पे यही प्रॉब्लम आता है कंस्ट्रक्शन फील्ड में स्पेशली, कि जो आपका प्रैक्टिकल पार्ट है, प्रैक्टिकल पार्ट में सब जगह पे स्टूडेंट मार खा जाते हैं, थियोरिटिकली साउंड होते हैं, बट जब ऑन फील्ड में जब काम करने जाते तो टेक्निकली उन लोग काफ़ी मतलब साउंड नहीं रहते। सो ये वर्चुअल रियलिटी अभी इंसेप्शन फेज में है, जस्ट हम लोग उसको डेवलप कर रहे हैं, सो ये जब हम लोग सब जगह पे इंप्लीमेंट करेंगे आई होप कि इसका इफेक्ट काफी अच्छा होगा। धन्यवाद मैडम। कुछ मैडम ये जो वर्चुअल रियलिटी माध्यम रे पिला मानको ट्रेनिंग दिया जीवो या द्वारा पिला मानकर कौन लाभ? हिंदी हां, वर्चुअल रियलिटी के जो इस के बारे में जो ट्रेनिंग दिया जाएगा बच्चों को जो युवाएं हैं उनको क्या-क्या फायदा मिलेगा सर? उनको एक तो जो रेगुलर प्रैक्टिस है, जैसे अगर मैं किसी एक जॉब रोल की बात करती हूँ तो अगर स्केफोल्डिंग है, स्केफोल्डिंग एक बार में 15 दिन का एक प्रोसेस रहता है, तो एक फ्लोर पे एक बार में आपने स्केफोल्डिंग कर दिया तो आप दूसरा बार प्रैक्टिस के लिए उसका सेट होने का आपको वेट करना रहेगा, उसके बाद आप नेक्स्ट फ्लोर पर कर सकते हो। उस बीच में उस 15 दिन के बीच में कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे वर्कर्स होते हैं जो ट्रेनी करने का मौका नहीं मिलता है, तो जब प्रैक्टिस करने का तो नेक्स्ट जब वो करेंगे तो हम एक तरीके से ये क्वालिटी एश्योरेंस है कि उनका क्वालिटी बीच में जो प्रोसेस का टाइमिंग है उसके रहते उनको प्रैक्टिस में कमी ना रहे, वो वर्चुअल रियलिटी पर प्रैक्टिस करेंगे और एक्चुअल में जो प्रोजेक्ट होगा जी वो जितनी बार चाहेंगे उतनी बार प्रैक्टिस करेंगे ताकि जो वो असल में बना रहे होंगे वो एकदम फर्स्ट ग्रेड प्रोडक्ट निकल के आएगा।
ये जी उसकी क्वालिटी अश्योरेंस का ये एक मीडियम रहेगा। इसके अलावा मैं एक स्पेशल मेंशन करना चाहूँगी, क्योंकि कई बार हमारी अवेयरनेस जो लोगों में हमने स्किल इकोसिस्टम को लेकर के अवेयरनेस देखी है वो काफ़ी कम है, तो उसके रहते हमने एक कौशल से सफल के नाम से अवेयरनेस कैंपेन चलाया हुआ है जो उड़िया लैंग्वेज में भी अवेलेबल है। 17 सितंबर विश्वकर्मा डे के दिन हमने ये लॉन्च किया था, जी इसी साल ये लॉन्च हुआ है, कौशल से सफल है। ये 5 एपिसोड का सीरीज़ है, इसमें हम ये बताना चाह रहे हैं कि क्यों कौशल की ज़रूरत है। हम इंडिया का अगर आर्किटेक्चर देखते हैं तो आपको लकड़ी भी मिलेगा, पत्थर भी मिलेगा, सीमेंट भी मिलेगा, हम बाहर से इंस्पिरेशन लेकर वेस्टर्न बिल्डिंग्स ग्लास भी बना रहे हैं, लेकिन हमारे पास में बहुत सारी ट्रेडिशंस हैं जिनको हमें बचाकर भी रखना है, हमें मॉडर्न भी होना है, और किस तरीके से हमें अपनी स्किल्स को अपडेट करते रहना है वो चीज़ का हमने इन 5 वीडियोस में 5 एपिसोड्स में जिक्र किया है, और ये 9 अलग अलग भाषाओं में अवेलेबल है जिसमें से एक उड़िया भी है। जी मैं हमें आलोचना करथुले जे कंस्ट्रक्शन क्षेत्र रे वर्चुअल रियलिटी माध्यम रे केमिति पिला मानकु ट्रेनिंग दिया जाई परिबो एवं ता द्वारा तांकर स्किल बा कौशल केमिति वृद्धि पाइबो आशा करबा जे पिला माने या द्वारा या जते बळे प्रणयन होबो एवं मार्केट को आसीबो निश्चित भाव रे पिला माने या द्वारा फायदा नै परिबे एवं तांकर जो स्किल बा कौशल आहुरी कुशली कारीगर तयारी होई परिबे। ढेंकानाल रु कैमरा पर्सन दीपक कसो प्रदीप्त महापात्र अर्गस न्यूज।